तो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन। सो गाइस, आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। और आज एक और चीज है, आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो अभी फिलहाल का सीन कुछ ऐसा, मम्मी और सुजल रख रहे हैं फास्ट, मैं नहीं रख रहा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी है ऊपर नीचे, तो इस वजह से मैं फास्ट नहीं रख रहा। बट हाँ, पूजा करने मम्मी के साथ जाऊंगा और मम्मी देख लो पूजा के लिए थाली तैयार कर ली है। और ये है गंगा जल जो हरिद्वार से लेकर आए थे हम बहुत पहले। चले मम्मी, हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि। और गाइस, आज मंदिर के अंदर बहुत भीड़ होगी, तो वैसे हम 9:30 हो रहे हैं, लेट सी कब होती है भीड़। वैसे तो पूरे दिन मतलब 12 बजे तक आज भीड़ ही रहती है मंदिर के अंदर। और सुजल ने आज व्रत रखा है, क्या मनोकामना मांगी भाई? जो व्रत रखा है बता नहीं सकता, पूरी नहीं होगी। हाँ गाइस, बहुत भीड़ है, बाहर से स्टार्ट है लाइन मंदिर में। सो गाइस, इतने मम्मी ले रही है पूजा का सामान, तो हम लोग जाके लाइन में लग जाते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ऑलरेडी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी गाइस, तो हम मंदिर के बाहर तक खड़े हुए थे। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, लेकिन हमको लाइन में खड़ा होने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बल्कि लाइन में खड़े होने में मज़ा ही आ रहा था गाइस। लेकिन अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते इतनी भीड़ थी। हम लोगों ने दर्शन भी ऐसे करे ना, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे करे हमने दर्शन। तो गाइस, शिवलिंग के पास भीड़ इतनी थी, मतलब हम लोगों को पूजा करने का टाइम नहीं मिला, तो सिर्फ जल चढ़ा के हम लोग बाहर निकल लिए। चलो गाइस, फाइनली दर्शन हो चुके हैं हमारे, और बहुत ही भीड़ थी लेकिन तब भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। और सुजल का जो टीका है ना, वो पंडित जी ने इधर की जगह इधर लगा दिया, इधर ये देखो, ये इधर लगा हुआ है सुजल का। और मम्मी का तो सही लगा है, मेरा भी सही लगा है, लेकिन इतनी भीड़ में भी अच्छे दर्शन हो गए है ना। गाइस अभी नारियल पानी ले रहे हैं, बढ़िया पानी वाला। इधर आके ना थैली में लटका लेंगे, जा डैडी को कह बेल बजा दो। सो गाइस, घर पे आने के बाद मम्मी ने कर दी पूजा, और यहाँ पर सुजल पढ़ रहा है कथा, क्योंकि सुजल ने फास्ट रखा है, जो फास्ट रखता है उसको कथा पढ़नी पड़ती है। और यहाँ पे मम्मी कर रही है शिव जी की पूजा। देखो गाइस, देखो ये देखो, ये रहा चिप्स का पैकेट, ये रहा नारियल पानी, और सुजल ने रखा है आज व्रत। भाई ये महाशिवरात्रि का व्रत ही इसलिए रखता है, इस चिप्स के पैकेट के लिए और नारियल पानी के लिए और दिन को एंजॉय करने के लिए। भाई सुबह से टाइम दिखा दे जरा, क्या टाइम, उठा कितनी बजे है तू? 10 बजे तो तू उठा है? 9 बजे उठ गया था। 9 बजे तो 9 बजे उठते व्रत वाले दिन भाई, ये तो खाने पड़ता है। और यहाँ पे मम्मी हिसाब किताब कर रही है। मम्मी आपने नहीं खाई चिप्स वगैरह? तो ओ कितनी मासूम बन रही है भाई मम्मी, मम्मी ने भी खाई है भाई। इन्होंने बोलता कि सुजल कह रहा है मम्मी चिप्स का पैकेट ले आऊं, तो मम्मी ने बोला हाँ लिया। सुजल कह रहा है लाओ मैं 50 रुपए दो, 50 वाला लाऊंगा। मम्मी कह रही नहीं 70 वाला लिया। तो सब लोग कह भाई कह रही 70 वाला लिया, बड़े वाला। लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा मम्मी ये बताओ, शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि के व्रत में सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? सुबह उठ के पहले पूजा वूजा करते हैं, नहा धोकर पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद घर जाते हैं, फिर घर में पूजा करते हैं, फिर चाय वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद हाँ कथा पढ़, हाँ तो वही मैं, पीने के बाद कथा पढ़ के चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मतलब घर के काम, वो दोपहर हो जाती है थोड़ी देर बाद, फिर आराम करने के बाद फिर तो मैं फ्रूट वगैरह वैसे लोग खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाती दोपहर में, फिर मैं शाम को चाय वगैरह पी लेती हूँ 4 बजे, उसके बाद फिर शाम का जो प्रसाद तैयार करते हैं वो इसमें है ना अन्न नहीं खाते हैं, इस वाले व्रत में अन्न नहीं खाते भोले बाबा। प्रसाद में क्या क्या होता है? प्रसाद में होता कैसे? है कुट्टू के आटे की रोटी खा लेते हैं, या लोग बहुत से लोग रोटी नहीं खा पाते हैं तो वो समक के आटे के चावल बना लेते हैं, और खीर बना लेते हैं, खीर पूड़ी बना लेते हैं, या मतलब लेकिन इसमें बस नमक नहीं खाते, नहीं सॉरी नमक तो खा लेते हैं, अन्न नहीं खाते, अन्न नहीं खाते।
और सब्जी प्रसाद में, सब्जी में बस आलू की सब्जी बना लो, वो काली मिर्च वगैरह डाल के, लाल मिर्च नहीं डालते हैं, और फिर वो शाम का प्रसाद हो जाता है। मैं तो उसके साथ पकौड़े बना लेती हूँ। हाँ, मेन एक चीज और है, जो ये व्रत खुलता है तो वो खुलता है भांग से, जब तक भांग नहीं पियोगे ना तो ये व्रत नहीं खुलेगा आपका। तो हाँ, ये हमारे डैडी बनाते हैं, हमारे नहीं मतलब बच्चों के डैडी बनाते हैं भांग। तो वो क्या मंगाते हैं, एक वो पता नहीं क्या होता है, वो छोटा सा होता है, गोला सा, क्या होता है, भोला, भोला वो मिला, हाँ वो एक भोला मिला देते हैं उसमें, पर हम इतने इतना ज्यादा नहीं पीते, थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद के तौर पे पी लेते हैं। हाँ, वो डैडी बनाते हैं गाइस, तो उसके बिना ना ये व्रत नहीं खुलता। मैंने भी रख रखे, मैंने इस बार नहीं रखा, वरना मैं रखता हूँ हर साल। तो भाई देख लो, जिन जिन लोगों को कंफ्यूजन थी तो मम्मी ने बता दिया क्या होता है इस व्रत में। पूरे 70 वाला पैकेट खत्म कर दिया भाई लोंडे ने, तीन तीन नारियल पानी, तीन तीन नारियल पानी पी गया। लेकिन ऐसा लग रहा है व्रत मैंने भी लगाया, लेकिन जो जो तुमने जो जो तुम लोगों ने खाया बस मैंने वही खाया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाया अभी तो। अभी तक बेटा ऐसा समझ लो कि मेरा भी व्रत चल रहा है और अभी भी मैं बाहर से जूस ही पीऊंगा, कुछ खाऊंगा नहीं। तो गाइस, मम्मी ने बना लिया है प्रसाद पूजा का, अभी भाई तो है नहीं, पहले हम लोग ही खा लेते हैं। मम्मी को फास्ट भी खोलना है, लेट भी हो गया मम्मी आज, आज बहुत लेट हो गया, देख कितना टाइम हो गया भाई। गाइस, हम देखो 9:30 होने वाले हैं, हम लोग अब फास्ट खोल रहे हैं अपना, पहली बार आज इतना लेट हुआ है, हमने फास्ट इतना लेट खोला है, प्रसाद लेट बनाया। मम्मी जल्दी खाओ, मेरे को तो भूख लग रही है, पहले आप खाओ, खा के दिखाओ। जय बोलेगी। कैसा लगा, मस्त बना है? चलो मैं भी खा लेता हूँ, प्रसाद तो मस्त बनता है, टेस्टी बनता है। वो तो खैर है ही। सो गाइस, अभी मैं जिम से वापस आया हूँ अपना वर्कआउट करके, और खाता हूँ मैं अपना फेवरेट प्रसाद, जो शिवरात्रि का मेरे को बहुत ही टेस्टी लगता है, जो मम्मी बनाती है। मम्मी और सुजल अपना फास्ट बहुत लेट खोल रहे हैं क्योंकि हम लोग कहीं चले गए थे। तो गाइस, अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ, और साथ में ठंडाई भी बनाई है। भंग रगड़ मेरी भंग रगड़, ये नहीं गाइस, डैडी ने बनाई है, डैडी हर बार बनाते हो गाइस। तो बहुत गाढ़ी है मेरी वाली, तो दूध डाल लूं नशा हो जाएगा वरना मेरे को। तो टेस्ट करके देखते हैं गाइस कैसा बना है। ये कौन सी रोटी है, ये समक कुट्टू क्या है बाबा? कुट्टू के आटे की रोटी है, समक कुट्टू के आटे की रोटी। ये लगाई हमने सब्जी, और ये रही चटनी, कौन सी, पुदीना हरा, हरा धनिया की, और ये एक नंबर। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। मजा आ गया गाइस, जिम के बाद प्रसाद खा के मजा आ गया।